वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत बायोटेक के नए प्लान से कोवैक्सीन का पहला कमर्शियल खेप जारी किया है। भारत बायोटेक का नया प्लांट गुजरात के भरूच में है। भरूच के अंकलेश्वर में हर महीने यहां से कोवैक्सीन की 1 करोड़ डोजेस मार्केट में भेजी जाएंगी। इस मौके पर मंडाविया ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करने के लिए टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मनसुख मंडाविया ने यह भी कहा कि गुजरात के अंकलेश्वर में भारत बायोटेक के संयंत्र से पहले बैच को रिलीज किया गया। सरकार के इस कदम से वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ेगी और वैक्सीन को सभी तक पहुंचाने में मिलेगी मदद। भारत बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आज अंकलेश्वर में लगाया है और उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। आज फर्स्ट बैच रिलीज हुई है। मुझे खुशी है कि वैक्सीन प्रोडक्शन में 1 करोड़ वैक्सीन प्रति मास अंकलेश्वर से भी मिलेगा, इसलिए हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बढ़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में देश में विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसमें सहयोगी होगा। तीसरी लहर आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ गई उसके लिए सरकार कितनी तैयारी कर चुकी है? सरकार ने अगले दिनों में कोविड केस बढ़े तो उसकी पूर्व तैयारी पहले से ही करके रखी है। 23,000 करोड़ का पैकेज के माध्यम से ब्लॉक स्तर से लेके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर तैयारी के लिए फर्स्ट इंस्टॉलेशन के रूप में 50% पैसा भी दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर एम्बुलेंस पहले से ही किराए करके रखे, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर 1 करोड़ तक मेडिसिन प्रोक्योर करके रखे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड बेड और पेडियाट्रिक कोविड बेड की भी फैसिलिटी और व्यवस्था अभी से रखे, उसके लिए भी पैसा दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर ऑक्सीजन की क्राइसिस ना हो इसके लिए ऑक्सीजन टैंक भी और 10,000 किलो ऑक्सीजन का संग्रह हो सके इतनी टैंक अभी से ही लेके तैयार करके रखे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.